गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। फरीदकोट विखे की गई अकाली दल की रैली सुर्खियां दे विच रही। जिथे रैली तो पहला विरोध देखने मिलिया, उथे रैली के बाद भी कुछ गर्म ख्याली लोगों ने अकाली आगुआं दीआं गड्डियां ते हमला कर दिता। जानकारी मुताबक जिवें ही रैली खत्म हुई तो बैरीगेड तोड़ के कुछ लोग रैली वाली जगह नंगियां तलवारां लहराते हुए रवाना हो गए, जिन्हां ने वापस जा रहे अकाली आगुआं दे वाहनां ते हमला कर दिता। दसिया भी जा रहा है कि इन्हां दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा की गड्डी भी शामिल है, जिसके बाद अकाली दल के बुलारे परमबंत सिंह बंटी रोमाणा ने पुलिस को शिकायत दी, इस मामले से कार्रवाई करने की अपील की। बंटी रोमाणा ने कहा कि यह सब कुछ पंजाब सरकार और बलजीत सिंह दादूवाल के इशारों से होया, क्योंकि जदों 3300 के करीब पुलिस मुलाजम इतने तैनात सन तो मुठ्ठी भर लोगों क्यों नहीं रोक सके। पंजाब सरकार, जैसे मैंने कहा, उनके इशारों पर उनकी कठपुतली बनकर नाच रही है। हमारी पार्टी के आगू हैं सरदार मनजिंदर सिंह। दुख की बात है कि गुरसिख अमृतधारी सिंह हैं और वो जो अपने आप को सिख पंथ के ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने एक गुरसिख की मर्यादा की भी परवाह नहीं की, एक गुरसिख अमृतधारी के भावनाओं की ना परवाह करते हुए इन पर अटैक किया, इनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ की, कृपानों के साथ इन पर हमला किया। नंगी कृपाने थी, पुलिस बेबस नहीं थी, पुलिस मिली हुई थी। 3300 बंदा पुलिस का फरीदकोट शहर में स्टेशन था आज की रैली के लिए, और क्या 100 लोग पुलिस को काबू करने में के लिए वो समर्थ नहीं थे? जो 100 चंद लोग कृपाने लेके नंगी शहर में दहशत का माहौल फैला रहे थे, क्या 3300 पुलिसकर्मी उनको काबू नहीं कर सकते थे? इनफैक्ट 100 पुलिस वाला होना ईमानदारी से ड्यूटी करने वाला 3300 को आगे लगा सकता है। ये पुलिस और सरकार की मिलीभुगत से ये सब कुछ हुआ। उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत मिल चुकी है और इस मामले ते बनदी कार्रवाई करेंगे। शिकायत आई है कि मनजिंदर सिंह की तरफ से उसकी गाड़ी थी, एक स्विफ्ट कार 4141। तो सर क्या शिकायत है? उसको कुछ लोगों ने डैमेज किया है, उसकी विंडो पेंट ब्रेक कर दिए। इसके सिलसिले में हमें पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, जिसके रिगार्डिंग हमने केस ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, केस रजिस्टर हमने कर दिया। इससे इनकी कंप्लेंट से पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी हमें। अभी तो ये एक की एतराब, बाकी हमें पता चला कुछ और भी डैमेज हुई है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिक्र योग है कि अकाली दल की जबर विरोधी रैली काफी विवादों के विच रही। फिर चाहे गल रैली करने की इजाजत दी होवे या फिर इत नंगियां तलवारां लहराउंदे गर्म ख्यालियां दी। फरीदकोट तो सूरज के नाल ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी।